बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज की सेशन में हम बात करेंगे छोटे प्लॉट के ऊपर। हमारी जितनी भी पिछली वीडियोस थी उसमें तकरीबन 5 मरले से ऊपर ऊपर ही सारा काम था, तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं उन लोगों की जिनके प्लॉट छोटे होते हैं कि छोटे साइज में भी कोई चीज अपलोड की जाए। सो दैट्स वाई मैं ये लेकर हाजिर हुआ हूँ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी रेट्स के अंदर काम करके ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं जी प्लॉट की जानिब, प्लान की जानिब, और इस डिजाइन की जानिब, आम जुबान में जिसे हम नक्शा कहते हैं उसकी जानिब। और इसका जो साइज है मैं आपको बता देता हूँ, 31 फ्रंट, 31 बैक, राइट 30.9 और लेफ्ट 30.9। तो इसमें क्या क्या है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मेन गेट, इसके बाद हम एक छोटा सा पोर्च होगा जिसमें हम दाखिल हो गए। ये टोटल साइज है 16 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 2 इंच। इस पोर्च के अंदर ही स्टेयर केस है, यानी कि सीढ़ियों का अलहदा यहाँ पर एरिया है जिसमें स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और इन स्टेयर्स के नीचे एक बात है, ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये बात आप कॉमन यूज में भी ला सकते हैं, और ड्राइंग रूम में अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आए हैं तो वो भी इसे यूज कर सकते हैं। ड्राइंग रूम को बाय से एक डोर है, ड्राइंग रूम का साइज है 15 बाय 12 7। ठीक हो गया जी। अंदर से भी एक इसे दरवाजा यहाँ से दिया गया है, और यहाँ पर आपको कटेड लाइन्स नजर आ रही है, यानी कि एक बेसिकली आर्च बनेगी यहाँ पर खूबसूरती के लिए। तो इसके बाद हम अंदर दाखिल हुए, तो ये हमारा छोटा सा एरिया है जिसके अंदर इस साइड में हमारा किचन है, 8 फीट बाय 7 फीट का किचन है, और पीछे एक ओटीएस है 2.9 का, और इसी के अंदर इस किचन की विंडो है। इस साइड में हमारा बेडरूम आ रहा है एक, और इस साइड पे एक और बेडरूम आ रहा है। सामने वाला बेडरूम हमारे पास जो है 13 फीट 3 इंच बाय 10 फीट इसका साइज है, और इधर इसकी विंडो है ओटीएस के अंदर, और इस साइड पे अगर देखें तो अटैच है इसके साथ बाथ, 7 2 बाय 4 9 बाथ का साइज है, और अगर देखा जाए तो बाथ की वेंटिलेशन भी पीछे एक ओपन एरिया दिया गया उसके अंदर दी गई है, और यहाँ पर एक डोर भी है। ओपन एरिया का साइज 5 बाय 4 9 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखे तो एक बेडरूम हमारे पास है दूसरे वाला, और ये बेडरूम इसका साइज है 12 3 बाय 9 3, और इसकी भी विंडो पीछे उसी ओटीएस के अंदर दी गई है। सो ये था एक छोटे साइज का प्लॉट, छोटे साइज का प्लान जिसके अंदर ये चीजें, दो रूम, एक ड्रॉइंग रूम और एक किचन और दो वॉशरूम एडजस्ट किए गए, और छोटे एरिया को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। आई होप कि ये प्लान आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।